हेलो क्लास, आज मैं आपको हिंदी वसंत में पार्ट 7 पापा खो गए पार्ट के विषय में बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको इस पार्ट के जो लेखक हैं, हिंदी साहित्य के महान रचनाकार हैं विजय तेंदुलकर जी, उनके विषय में बताया था। एक बार और देख लो, इनका जो जन्म है विजय तेंदुलकर जी का, वो 6 जनवरी 1928 को और मृत्यु 19 मई 2008 को हुई थी। वो मराठी नाटककार, लेखक और निबंधकार थे। वो फिल्म व टीवी पटकथा लेखक और राजनीतिक पत्रकार भी रहे हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको इसके शब्दार्थ के विषय में बताया था, आज मैं आपको इस पाठ से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं के विषय में बताऊंगी। तो सबसे पहले नंबर पे हमारा आता है निर्जीव वस्तुओं को सजीव रूप में प्रस्तुत करना। इस पाठ में लेखक ने निर्जीव वस्तुओं को सजीव रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। नंबर 2 पर है रात की घटना का वर्णन। नंबर 3 संबंधित पात्रों का लड़की के विषय में चिंतित दिखना। इस पाठ में जो पापा खो गए जो पाठ है, इसमें जो पात्र दिए गए हैं कौन कौन है, इसमें लेटर बॉक्स है, पेड़ है, खंबा है, ये क्या है, सारे इस पाठ के पात्र हैं। वो क्या क्या, क्या करते हैं, लड़की के विषय में चिंतित दिखते हैं, क्योंकि एक गरीब आदमी है, मतलब वो चोर है, वो छोटी सी लड़की को चुरा कर या उठाकर ले आता है, तो वो उसके विषय में चिंतित होते हैं। नंबर 4 पर सभी पात्रों द्वारा लड़की की रक्षा करना। नंबर 5 पात्रों द्वारा लड़की को उसके घर पहुंचाने का उपाय सोचना। अब सब एक एक करके उस लड़की को उसके घर पहुंचाने का उपाय सोचते हैं कि किस प्रकार इस आदमी से इस लड़की को बचाया जाए और सुरक्षित उसके स्थान पर पहुंचाया जाए। नंबर 6 पर है पात्रों द्वारा लड़की को उसके घर पहुंचाने का लोगों को संकेत देना। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको इस पाठ के जो बिंदु हैं जो मैंने आपको आज बताए हैं, इसका विस्तार से वर्णन करूंगी। धन्यवाद।